इस वक्फे के दौरान सईद अब्दुल माजिद वाजिद नकवी साहब हमें ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश भी है कि वो जिस तरह जिस खूबसूरती से तकरीर करते हैं चंद लम्हात के लिए शायरी पे गुफ्तगू है। बहुत शुक्रिया जनाब जान कश्मीरी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार और साथ ही साथ भाई असगर रहमानी साहब का कि उन्होंने माशाल्लाह ये रहमानी चैनल है न्यूज़ चैनल, इसका बड़ा खूबसूरत यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। और खुश आमदीद कहते हैं भाई जसबीर सिंह गुप्पा राय साहब को कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए, गुरमीत सिंह साहब को। और आपके इस मुशायरे को देखकर बिलखसूस जो आपने अभी कलाम पढ़ा है यहाँ पे के शोक शरारा, मेरा तो दिल वहाँ पे बैठ के कर रहा था कि हम भी कुछ तारा राम इस पे तो चले जान साहब का शुक्रिया कि आपने कुछ कहने का यहाँ पे मौका अनायत फरमाया। मैं यहाँ पे एक शेर से इब्तदा करता हूँ जी। ये शायरी की महफिल है, शुरा जो होते हैं ये बड़े हसास होते हैं और ये मुआशरे का असासा होते हैं। और इस महफिल में बैठ कर मुझे यूईटी में एक मुशायरा था जान साहब, वहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वालों ने वो मुशायरा अरेंज किया हुआ था। अब मैथमेटिक्स वालों को रियाजीदान कहते हैं, शुमारियातदान कहते हैं, तो वहाँ पे मुल्क भर से मुल्क भर से शुआरा और शायरात वहाँ पे मधु थी, सब ने अपना अपना कलाम पेश किया। मगर जो साहिब कलाम ठहरे वहाँ पे उनका कलाम बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वो कलाम उनका जो जजेस की जूरी वहाँ पे बैठी हुई थी उन्होंने उसको इमामुल कलाम ठहराया कि ये सब कलामों का इमाम है आज के दिन का। तो हाल में बैठे हुए चंद जो शरारती किस्म के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कहा जी हम आपको शायर तब मानते हैं भट्टी साहब अगर आप हमें मैथ में शायरी करके दें। मैथमेटिक्स के अंदर शायरी में है अब आफरीन है शायर पे भी तकदीर करते हैं तखय्युल को सलाम है कि मुल्क अदम से उस पे ऐसी अता हुई है कि उसने को दो चार मिनट का जो है वो उसमें ख्याल किया और उसने जो है वो रुबाई सामेईन की नजर कर दी। वो कहता है राग में आग पोशीदा, राग में है आग, आग राग है तीन हरूफ का मजमुआ रे अलिफ गाफ, अगर रे को हटाएं तो दो हिस्से बाकी जो बचते हैं वो है आग। वो कहता है राग में है आग पोशीदा अगर दो बटा तीन, राग में है आग पोशीदा अगर दो बटा तीन तो फिर जिसे कहते हैं बशर उसमें है शर, शर। दो बटा तीन और मुल्कल मौत से हिरासा नहीं जमाने में कौन। वाह भाई जसवीर सिंह जी, मुल्कल मौत से हिरासा नहीं जमाने में कौन तो फिर जिसे कहते हैं न डर उसमें है डर, दो बटा तीन। वाह वाह। तो इस शेर के साथ मैंने इब्तदा की। जान साहब अभी तारफ करवा रहे थे मेरा कि नकवी साहब जो है वो अक्सर फंक्शंस में नजर आते हैं और कभी कभी जो है वो मुशायरों में भी नजर आ जाते हैं। देखें जी शुरा हजरात से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है और अक्सर व पेशतर मुझे जो है वो उसमें मौका मिल जाता है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। एक दफ़ा एक मुशायरे के अंदर ही मैंने एक छोटा सा जो है वो अपने हिस्से की नौकरी अदा की, तो मैंने कहा कि जी जिस नबी के दौर में जिस चीज का शोहरा हुआ करता है अल्लाह ने उसी नबी के दस्त पे वही मौजज़ा था। फॉर एग्जाम्पल हजरत मूसा अलैहि सलाम थे तो आपके दौर में जादू रूज था। मूसा बात तौहीद की करते थे और वो बात जादूगरों की सुनते थे, नबी की नहीं सुनते थे। ठीक है, अल्लाह ने वही नाजिल की कि ऐ मूसा आप ही दरबार में जाइए और अपना असाब फेंकिए, तो वहाँ पे जो सामरी रस्सियां फेंक कर जो है छोटे छोटे जादूगर वो सांप बनाते थे, आपका सांपों का कलाम था, तो हजरत मूसा ने वही के ताबे होकर अपना असा फेंका और वो इज्तहा बनकर बाकी सांपों को निगल गया। आगे बात बढ़ती है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आता है तो माफूकल फितरत चीजों का जो है वो दौर अरूज पे है, लोग अजीबो गरीब हरकातों सकरात में जो है वो मुब्तला होते हैं, मशगूल होते हैं, लोग नबी की बात नहीं सुनते, वो अजीबो गरीब हरकात सुनते हैं।
तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है मलके सबा का तख्त बख्शा और उस पे परिंदे हर वक्त जलवा फिगन होते थे, आप बात करते थे चूटियां तक आपके बात को सुना करती थी। बात आगे बढ़ती है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आ जाता है तो लोहा साजी की सनत जो है वो अपने अरूज पर थी और लोग कहते थे हम बड़े अस्करी तौर पर तगड़े हैं, हमें नबी की बात से तहफ्फुज नहीं है, हम अपने असले की बेस पर अपना तहफ्फुज कर सकते हैं। अल्लाह ने दस्ते दाऊद पे ऐसा मौजजा अता किया कि आप हाथ फेरते थे और लोहा ऐसे कटता था जैसे कैंची कागज को चीर के रख देती है। बात बढ़ते बढ़ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आ जाती है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर पर उत्तबा जो थे, मेडिकल साइंस जो थी, यूनान के जो हकीम थे, तिब अपने अरूज पर थी। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजजा दिया कि आपके दौर के अंदर जो है वो आप अल्लाह के इज्न से एक मादरजादे अंधे पे फूंक मारा करते थे और उसको बिना ये था और मबरूस के ऊपर हाथ फेरा करते थे, उसके बस के दाग जाते रहते थे, बल्कि आप अल्लाह का नाम लेके मरे हुए को हुक्म देते थे तो वो कलमा पढ़ता था। और इस तरीके से लोग जो है मेडिकल साइंस छोड़ के नबी की बात सुनने लग पड़े और क्या कहने आपकी और मेरे आका मौला के फखरुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपका जब दौर आया तो फसाहत तो बलागत शायरी अपने अरूज पर थी, चूंकि ये शुरा की महफिल है मैं अपनी बात को कंक्लूड इसी पे करता हूँ। शुरा जो है हर साल अरब की दुनिया के अंदर पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पोएट्री का फेस्टिवल होता था बाजारे काज में होता था, बाजारे काज के अंदर सजा करता था और मक्का के सरदारान जो थे उसके जो इवेंट मैनेजर थे वहां पे बड़े बड़े शुरा को बुलाया करते थे। और उस दौर का जो एक सबसे बड़ा शायर जिसका नाम लुबीद बिन रुबिया था उसका कलाम इमामुल कलाम ठहरा करता था और जिस शायर का कलाम फर्स्ट कलाम ठहराया जाता था उसको रिवार्ड के तौर पे उसका कलाम चमड़े पे लिखकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ एक साल के लिए लटकाया जाता किया जाता था। इस शायर का कलाम 7 मरतबा अव्वल कलार पाके तो ठहराया गया, इस वजह से इसे सबाए मुअल्लका का लकब भी मिला कि सबा कहते हैं सात और मुअल्लका लटका मुअल्लक से कि 7 मरतबा इस शायर का कलाम लटकाया गया। और ये वही शायर था कि जिसको मस्जूदु शुअरा का लकब मिला, ये तमाम शायर सफ बंदी करके इसको सजदा रेज होते थे इसके आगे, ये इतना बड़ा शायर था। तो इस शायरी के बाजार के अंदर जो है वो वही खुदा नाजिल होती है कि अब पैगंबर जरा इन पे जाके इन्ना आता इन्ना और सूरह कौसर जब बयान की गई वहां पे तो इन्ना आता इन्ना कल कौसर फसल्ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये कलाम का पेश करना था कि तमाम के तमाम शुअरा गुश्त बदंदा हो गए कि ना ऐसी बहर देखी ना ऐसी लय सुनी, मतलब रदीफ काफिए की पाबंदी, वो कहते थे कि ये हैरान हो गए किस किस्म का ये कलाम पेश किया गया है। तो तमाम अरब जो के अरब के सरदार थे और जो मक्का के सरदार थे उन्होंने लुबीद को पकड़ के ये टास्क दे दिया कि इसका चौथा मिसरा पेश करो, तो लुबीद का सर था चौथे मिसरे पे तो उसको कहा कि तुम्हें जो है इस पे तुम्हारी गर्दन सही कर दी जाएगी, तो उसने एक हफ्ते का टाइम मांग कर तो फिर दोबारा से कहा कि जी चौथा मिसरा जो है वो बना लिया मैंने। तो उसी तरीके से बाजार सजाया गया, शुअरा को दावत दी गई और उसने आके जो है ये कलाम पेश किया कि इन्ना आता इन्ना कल कौसर फसल ले रब्बी का बनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, उसने अपना कलम तोड़ा और यूं दस्ते रसालत के ऊपर जो है वो कलमा बहुत खूबसूरत जज़ाकअल्लाह अंदाज में बड़े रकीक अंदाज में बड़े ईमान ताज़ा करने वाले अंदाज में शायर की तारीख बयान कर दी, बहुत खूबसूरत उनकी आंखों में नमी है, सब दोस्तों की आंखों में नमी है, ये अंदर की सच्चाई है, ये तारीख की सच्चाई है, ये हमारे मजहब की सच्चाई है, इससे कोई आदमी आंखें नहीं फेर सकता। मैं उनका शुक्र गुजार हूँ कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, जैसे मैंने कहा था ये बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, जहाँ मेरा सामना कभी होता है ना तो हम किसी न किसी टॉपिक पे गुफ्तगू होती है, तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ।